बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं लेक्चर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। और क्वेश्चन हमारा चल रहा है सकाफत या कल्चर। सकाफत के पाकिस्तान, कल्चर ऑफ पाकिस्तान। हमें सबसे पहले अपने कल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हमने पिछले लेक्चर में पाकिस्तान का और स्पेशली हमने अपने कल्चर का बयान किया था कि सकाफत का मफहूम या कल्चर की मीनिंग क्या है। तो सकाफत का मफहूम यही है कि किसी मुल्क में या कौम का किरदार उसकी सकाफत को बयान करता है। उसका तमाम बुनियादी चीज़ें, उसका रहन सहन, उसका रहना बसना, ये तमाम चीज़ें, उसकी ज़बान, ये सब चीज़ें हैं जो हैं वो उसकी सकाफत को बयान करती हैं। लिहाजा सकाफत के लिए क्या है, ज़रूरी है कि हम अपनी सकाफत को याद रखें और उसको भुलाएं नहीं, और उसमें तमाम अफराद में वो तमाम खूबियाँ आ जाएं जो कि उसकी सकाफत में पाई जाती हैं। यहाँ पर हमने मुख्तसरन ही बयान किया कि मुस्लिम सकाफत का भी तस्करा हो तो मुस्लिम सकाफत क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में मुस्लिम सकाफत की बुनियाद रख दी जब उसने सिंध को फतह किया। इसी तरह से बर्रे सगीर में मुख्तलिफ फतूहात की हैं, मुख्तलिफ लोगों ने की हैं, मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पर की हैं, उनका तस्करा भी होना चाहिए। तो मुसलमानों में महमूद गजनवी ने 1023 में 1023 में लाहौर में महमूद गजनवी ने बहुत सारे इलाकों को फतह किया। सुल्तान महमूद गजनवी ने बहुत इलाकों को फतह किया। इस तरह इस्लामी सकाफत की बुनियाद उन्होंने डाल दी। शहाबुद्दीन गौरी ने हमारी सकाफत, इस्लामी सकाफत की बुनियाद डाली। वो इस तरह से कि उन्होंने अजमेर, कन्नौज, बनारस, ये इन्होंने फतह किए और वहाँ हमारी इस्लामी सकाफत का रंग उजागर किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी, मजबूत मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी। तो ये हमारी सकाफत, इस्लामी सकाफत को फ़रोग देने वाले वो फातेहीन हैं जिनका तस्करा ज़रूरी था। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में मुस्लिम सकाफत की विरासत क्या है। इस्लामिक कल्चर एंड हेरिटेज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुस्लिम दौर का सकाफती विरासत। मुस्लिम दौर एक तेरार 712 से 1857 तक रहा, जो बर्रे सगीर जुनूबी एशिया में एक नई सकाफत के ज़हूर का सबब बना। इन मुस्लिम दौर में जो सकाफती वर्षा हमारा रहा है वो है फन तामीर, फन मुसव्वरी, फन खत्ताती, उर्दू ज़बान व अदब, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, कैलीग्राफी, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो हम देखते हैं फन तामीर या आर्किटेक्चर। बर्रे सगीर जुनूबी एशिया में मुसलमानों ने फन तामीर की तरफ खास तवज्जो दी और फन तामीर को उन्होंने उरूज तक पहुंचाया। आर्किटेक्चर को उन्होंने उरूज तक पहुंचाया। इसलिए इस्लामी फन तामीर कहलाती है। मुसलमानों का फन तामीर और हिंदुओं के फन तामीर में बहुत फर्क है। मुसलमानों ने गुंबदों, मेहराबों और कुबादार छतों से इब्तिदा की, जबकि हिंदुओं ने सिर्फ सुतूनों की भरमार की। उनकी फन तामीर में सिर्फ सुतून आते हैं। हमारे यहाँ दिल्ली का कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद, शालामार बाग, ठट्टा की जामा मस्जिद,
बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, मकबरा बहाउद्दीन ज़िक्रिया काबिले ज़िक्र हैं। अब इसी तरह से खत्ताती या कैलीग्राफी, फन्ने मुसब खत्ताती या कैलीग्राफी, इसमें हम देखते हैं कि ये इसे खुशनवीसी का नाम दिया गया। ये खुशनवीसी होती है जो लिखा जाता है। खत्ताती जब हम खुशखत लिखते हैं, लफ्ज को बना के खूबसूरत लिखते हैं, उसको कहते हैं खुशनवीसी। खुशनवीसी में एक खालिस इस्लामी रंग पाया जाता है। ये हमारा एक इस्लामी वर्षा है और एक इस्लामी फन है। मुसलमानों के दौर में खत्ताती को अस्करी का दर्जा दिया जाता था और इसको मुगल फरमा रवाओं ने, स्पेशली आलमगीर के दौर में, इस फन खत्ताती को बहुत उरूज पर पहुंचाया। कैलीग्राफी को, खत्ताती को मुगल बादशाहों ने एक उरूज दिया। इसी तरह से हम ये देखते हैं फन मुसव्वरी, पेंटिंग। पेंटिंग में हमारा मुसलमानों का क्या हिस्सा है, क्या दर्जा है? तो पेंटिंग में हमारे पास मुगल फरमाराओं ने इस पर भी बहुत तवज्जो दी है, जो कि बाकायदा हमारे मुस्लिम फरमारवा मुसव्वरी से बहुत से तो ताल्लुक ही इससे रखते थे। बहुत से इस वक्त जो बादशाह थे, वो उस वक्त का ये था कि उस वक्त मुगल बादशाहों में ये चीज़ें बहुत उरूज पर थीं। बर्रे सगीर का पहला मुगल फरमारवा बाबर, माहिर फन मुसव्वरी कहलाता था, और उसके बेटे हुमायूं भी इस फन में बहुत आला मुकाम रखता था। यहाँ तक कि बाबर को इस कदर मुसव्वरी में दिलचस्पी रखता था कि एक ईरानी मुसव्विर कमालुद्दीन बहजाद की तख्लीकात को अपना निशाना बनाया और मुसव्वरी को उरूज तक पहुंचाया। बादशाह के दौर में मुसव्वरी मजबूत बुनियादों पर कायम हो गई। ये हमारा मुस्लिम वर्षा है, ये हमारा मुस्लिम हेरिटेज है हमारा। इसी तरह से हम तालीम की तरफ भी अगर आए, पहले तो हम देखते हैं उर्दू जबान और अदब। उर्दू जबान और मुसलमानों के दौर में उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मुसलमान मुगल बादशाहों के दौर में उर्दू अदब को उरूज मिला। इब्तदाई वहीं से हुई, जिस वक्त महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाहौर में कयाम किया तो उर्दू की इब्तदा हुई। इसके बाद उर्दू को उरूज और फरोग मिलता रहा। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर में उर्दू बोलियों में शुमार होती थी, लेकिन बाद में इसे तहरीर का नाम दिया गया। उर्दू को तहरीर का नाम दिया गया और यही वजह है कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शुमार उन मायानाज शायरों में होता है जिन्होंने उर्दू में बहुत आला मुकाम की शायरी की। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम दौर का सकाफती वर्षा क्या है। फन तामीर, आर्किटेक्चर, फन मुसव्वरी, पेंटिंग, फन खत्ताती, कैलीग्राफी, उर्दू ज़बान और अदब, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। ओके, अंडरस्टैंड, अल्लाह।